हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ किंग। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि एलईडी लाइट के चेजर से मैंने बल्ब जलाए थे, कुछ उसी तरह आज हम बनाएंगे इस चेजर से, जो कि हमारा एलईडी लाइट में से निकला है, चाइना की लाइट में से, जो ख़राब हो लाइट ख़राब हो चुकी है, लेकिन चेजर सही होता है ज़्यादातर कंडीशन में। तो आज हम इससे बनाएंगे 12 वोल्ट एलईडी कैसे जलाएं, यानी कि 12 वोल्ट की जो स्ट्रिप आती है कुछ इस तरह की एलईडी स्ट्रिप इस चेजर से कैसे जलाएं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी टच करें, जिससे कि आप मेरी फ्यूचर में आने वाली अपडेट वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। दोस्तों, इस चेजर से 12 वोल्ट एलईडी जलाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का एसी ट्रांसफार्मर, एक चेजर सर्किट, तीन कलर की अलग अलग एलईडी स्ट्रिप या फिर मल्टी कलर एलईडी स्ट्रिप। इसमें कई तरह की एलईडी स्ट्रिप आती है, जैसे कि इसमें सिंगल कलर है, किसी में डबल कलर होता है, किसी में मल्टी कलर होता है, तो जैसा आपको चाहिए वैसा ले सकते हैं। दोस्तों, ये होती है मल्टी कलर एलईडी स्ट्रिप। इसमें तीन कलर निकलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 12 वोल्ट डीसी से चलती है। ये रहा वो सर्किट। सर्किट भी कई प्रकार के होते हैं, कोई दो ट्रांजिस्टर वाला, यानी कोई दो चेजर वाला, कोई तीन चेजर वाला और कोई चार चेजर वाला। फिलहाल ये है दो चेजर का सर्किट, ये है चार चेजर का, और हमें चाहिए अभी फ़िलहाल तीन रंग के। तो आइए इसे चेक करते हैं कि कैसे काम करता है। करना वही है जैसे पहले बताया गया था। इन दो पॉइंटों पर पहले हम एसी, दोस्तों यह है पूरा सर्किट, ये चार पॉइंट का है। चार पॉइंट का मतलब कि इसमें चार ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3 4। इसे आप ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं, एससीआर भी कह सकते हैं, ट्रैक भी कह सकते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से इसको समझ लेता है। फ़िलहाल हमें करना ये है कि ये 220 वोल्ट से चलता है, इसे 220 वोल्ट की जगह हमें 18 वोल्ट से चलाने के लिए ये दोनों रेजिस्टेंस 10 के 10 के करनी पड़ेगी। अभी इसमें फ़िलहाल 1 मेगा ओम लगी हुई है, जब आप इसे 1 मेगा ओम की जगह 10 के रेजिस्टेंस कर देंगे, हर सर्किट में ये दो रेजिस्टेंस लगी होती है, ये देखिए, इनको आप जब 10 के लगा देंगे तो आपने इस पॉइंट पर यानी कि यहाँ पर 12 वोल्ट एसी देनी है, और ऑटोमेटिक ये ब्रिज लगा हुआ है, मतलब रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पर आपको डीसी 12 वोल्ट मिलेगी और उससे ये जलेगा। अब आइए देखते हैं इसे कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अब मैंने इसमें
220 वोल्ट एसी लगा दी है, यहाँ से 12 वोल्ट डीसी एसी निकलेगी। अब मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे होंगे। अब आप इस बटन को जब भी दबाएंगे तो ये चेजर अलग अलग तरीके से चलेगा, 12 वोल्ट से, ना कि 24 वोल्ट। इसमें कोई करंट नहीं है क्योंकि अब इसमें करंट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर 12 वोल्ट एसी पर कभी करंट नहीं लगता। तो अगर जिस भाई ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को मेरा आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, लगभग 1 लाख लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी ऐसे ही अपना प्यार दें, इस वीडियो को भी। और मैं इस बटन को जैसे जैसे दबाऊँगा यहाँ पर चेजर चेंज होंगे। मैं लाइट बंद कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में थोड़ा सा। तो दोस्तों, अगर ये जुगाड़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।